बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम द रेडियो स्कूल हाफिज़ाबाद। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वी हैव स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लासेज द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। मतलब कि अगर हम रिपीटेड नंबर, सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, 7 × 7 × 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 7 पावर 3। मतलब कि हम 7 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स, तो उसकी हम पावर में 3 लिख देंगे। वी रीड इट एट 7 to power 3, वेयर 7 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द एक्सपोनेंट और द इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें जो 3 नज़र आ रहा है ये इसकी एक्सपोनेंट है और 7 हमारी बेस है। तो इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर लॉज कौन से यूज़ होते हैं, पावर लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, सो ऑन। हम ये सारा इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जब बच्चों सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेसिस सेम हो, जैसे a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n है, बेस दोनों की क्या चीज़ सेम, बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट्स क्या है कि डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो उनकी पावर्स क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, एक्सपोनेंट अगर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो बेसिस की पावर को हम एक ही पावर लिख देते हैं, एक्सपोनेंट n लिख देते हैं। जैसे a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए बी होल पावर n। सेकेंड है जी क्वेश्चन लॉ। व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, अगर बेसिस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और दरमियान में डिवीजन का साइन हो, कोशेंट हो, मतलब कि कोशेंट में फाइंड कर रहे हैं उसका, तो क्या होगा जी, उनकी पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। प्रोडक्ट में क्या होते हैं, प्लस, और डिवीजन या कोशेंट लॉ में माइनस होते हैं। अगर बेसिस सेम ना हो तो फिर क्या होता है जी, माइनस होते हैं। व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, अगर बेसिस सेम ना हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर क्या करते हैं जी, उसकी हम एक्सपोनेंट दोनों की होल पावर में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ। अगर ए पावर एम वो होल पावर एन है तो क्या होगा जी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिख ली जाएंगी। इसकी एग्जांपल ऐसे कर लें कि एक्स पावर 2 होल पावर 3, तो 2 × 3 = 6, एक्स पावर 6 इसका आंसर आएगा। फॉर जीरो एक्सपोनेंट, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, बच्चों ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो ए की पावर 0 हो, चाहे 100 पावर 0 हो, वो इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1 के आएगा। फॉर एक्सपोनेंट एज नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो हम उसको उसका रेसिप्रोकल लेके हम उसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे a पावर माइनस m थी, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a m आ जाएगा। इसके बाद बच्चों डिमोनस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ इंटीजर्स दैट इज माइनस a पावर n एंड n इज इवन और ऑड इंटीजर्स। बच्चों इसमें ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अगर कोई नेगेटिव बेस है और उसकी पावर जो है वो इवन में हो तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, अगर जो आंसर जो है वो ऑड नंबर में हो तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये बात आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड द बेस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बेस और एक्सपोनेंट बताने हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -1/n, तो इसमें बेस क्या होगी, बेस इज इक्वल टू -1 आपको नजर आ रहा होगा, और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या जी, 9। इसी तरह 2/100 बेस क्या है, 2, और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 100। सेम इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आपने ये एक दफ़ा देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, जैसे 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 4 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था हम उसकी पावर में 4 लिख देंगे, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो -3/7 जब मल्टीप्लाई करेंगे, -3/7 −3/7 −3/7, तो ये 4 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम -3/7 पावर या एक्सपोनेंट 4 लिख देंगे। इसी तरह ये आपने एग्जाम्पल्स सारी क्वेश्चन सारे देख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रूव डैट -1/11 इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसमें -1 मल्टीप्लाई बाई 11
इसकी एक्सपोनेंट 11 थी, हम तो माइनस वन को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि अगर अगर जो पावर है वो इवन नंबर या ऑड नंबर में हो, इवन नंबर में हो तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में, लेकिन अगर ऑड नंबर में हो तो उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो अब ये देखें जरा, 11 एक ऑड नंबर है तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा माइनस वन। तो वन को जब वन 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 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव का किस लिए आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या थी ऑड नंबर, तो विच इज इक्वल टू माइनस वन, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है माइनस थ्री पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस टू फोर्टी थ्री। अब देखें जरा, माइनस थ्री पावर फाइव लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे माइनस थ्री पावर फाइव, तो माइनस थ्री को हम फाइव टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्योंकि इसकी पावर ऑड है इस वजह से माइनस आ गया, तो थ्री को फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री करेंगे तो विच इज इक्वल टू इसके आएगा 243, जो कि हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो इस तरह ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर फाइव देखिएगा, माइनस वन बाई एट होल पावर थ्री है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे माइनस वन बाई एट मल्टीप्लाई बाई माइनस वन बाई एट मल्टीप्लाई बाई माइनस वन बाई एट। तो हम न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर था इस वजह से इसके साथ माइनस वन माइनस आएगा, और वन वन जार वन, एट एट जार सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर एट जार फाइव वन टू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। तो हमने हर जो रैशनल नंबर्स हैं हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 121 ये 11 को टू टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, तो इस वजह से 11 पावर 2 लिख देंगे। 81 9 9 जार 81 आता है, इस वजह से 9 पावर 2। इसी तरह 625 इसके साथ माइनस का साइन है, हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो फिर 625 आता है, जिसका मतलब कि 5 की पावर क्या हो जाएगी 4। इसी तरह आपने ये सारी क्वेश्चन एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो आज का हमारा होम टास्क क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 4.1 फुल होमवर्क।